माइलो फैमिली चैनल में, जहां आज हम आपको बताएंगे कि सेक्स के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, सेक्स के कितने दिन बाद आपको लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। ये पता चलता है इम्प्लांटेशन से। इम्प्लांटेशन क्या होती है, आइए जानते हैं। जब आप रिलेशन बनाती हैं या सेक्स करती हैं अपनी ओव्यूलेशन के दौरान, तब आपके एग या अंडे की लाइफ सिर्फ 2 दिन की होती है। इन्हीं 2 दिनों में आपके एग को फर्टिलाइज होना होता है। जब आपका एग एक हेल्दी स्पर्म से मिल जाता है, तब होती है फर्टिलाइजेशन आपकी फेलोपियन ट्यूब में। बाद में ये एम्ब्रियो जो है आपके यूट्रस से जाके चिपक जाता है और इसको ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 6 दिन लगते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है। कभी कभी इस पूरे प्रोसेस में 12 दिन भी लग सकते हैं। प्रेगनेंसी के लक्षण कब दिखाई देते हैं? अब मान लीजिए कि 6 से 12 दिन हो चुके हैं, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं? क्या आप पीरियड्स के मिस होने का वेट करेंगी? अब आपको पीरियड्स के मिस होने का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं जिनसे आप पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। स्पॉटिंग। कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन यानी कि एम्ब्रियो के यूट्रस से चिपकने पर स्पॉटिंग हो सकती है। ये स्पॉटिंग पीरियड्स नहीं होती है। जब आपको पीरियड्स आते हैं, तब आपको हैवी ब्लड फ्लो होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी को 4 दिन होती है, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन, तो किसी को उससे भी ज्यादा दिन हो सकती है, और क्रैम्प्स पड़ते हैं, बहुत दर्द होता है। लेकिन जब आपको इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लीडिंग होती है, तब आपको सिर्फ थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लड के 3-4 ड्रॉप्स आ सकते हैं, लेकिन दर्द जो है वो बिल्कुल पीरियड्स जैसा ही होगा। स्पॉटिंग को पीरियड्स ना समझें। जब इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लीडिंग होती है तो हम उसे स्पॉटिंग कहते हैं, और स्पॉटिंग आपकी प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण हो सकती है। वजाइना से ज्यादा डिस्चार्ज होना। कई महिलाओं को प्रेग्नेंट होने पर वजाइना से ज्यादा डिस्चार्ज होता है, तो वजाइनल डिस्चार्ज से भी आपको पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपके वजाइना से बहुत सारा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप ये पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। कई लोगों को बहुत सारा वाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन आपको वजाइना में बहुत सारी जलन होती है, बदबू आती है, ऐसे समय पर अपने डॉक्टर को अप्रोच करें, क्योंकि इस तरह का वजाइनल डिस्चार्ज एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो आप इसमें लापरवाही ना रखें। ब्रेस्ट टेंडरनेस। साथ ही आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होगी। अगर आपके ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। उम्मीद है आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको चाहिए ऐसी ही और एक्सपर्ट एडवाइस, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाहिए एक्सपर्ट ऑनलाइन कंसल्टेशंस और अन्य जरूरी टूल्स जो आपकी मदद करें, तो डाउनलोड करें माइलो ऐप।